आपका ध्यान ही नहीं है, वैसे ही ध्यान नहीं था आपको, इतना नहीं दिखाई दे रहा कि वो खा रहा है, ला दो और बोल दो कोई चीज लेके आनी है, तो तब तो सुनाई नहीं था, तब तो बोल देते। एक तो आप भैया ये चीज बोल के ना कि ड्रेस बहुत है आपके पास ना, छोटी छोटी लेते हैं, लैक्मी का काजल लेते हैं, लैक्मी ये टोकन ले लिया और टिक्की खाएंगे टिक्की। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो मैंने वो वाला व्लॉग जो गाइस बंद कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, क्योंकि रजनीश जी के साथ मेरा कुछ ऐसा सही सिस्टम हो गया था। घर आ गए हैं सलोन से और अभी रात के बज चुके हैं 9:30 और इधर ये सुबह वाली एज इट इज सब्जी पड़ी हुई है, तो मैंने अभी कुछ ही नहीं बनाया, कुछ ही नहीं किया, क्योंकि मैंने आते ही मशीन में, उधर मशीन लगा रखी है बाहर, उसमें कपड़े डाल रखे हैं धोने के लिए, क्योंकि कपड़े 2-3 दिन के हो गए हैं, कल रात को धोए थे फिर भी, तो अभी मैं कुछ खाने पीने का बना लेती हूँ और फिर ऑब्वियसली बच्चे भी हैं पे, राहुल चला गया है और कोमल और नक्कू थे घर पे, तो खाना खुना बना देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। सो किचन में दिखे हैं मेरे को ये वाला पैकेट, ये लेके आया था नक्कू, तो मैं ये वाले पैकेट में से कुछ खा लेती हूँ, मेरे को लगता है मेरे को उनसे भी पूछ लेना चाहिए, मुंह तो बना ही हुआ है ऑलरेडी उनका। और इधर ये हमारे 2 बच्चे वेट कर रहे हैं, ये खाने चिप्स, चिप्स खाने, आजो 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 आजो, चलो 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 चलो, आपको तो मैंने बुलाया ही नहीं है ना आपके साथ, चिप्स मत बोलो, आपको बुलाया किसने? ये नई चीज है कोमल, इसमें पता नहीं क्या है, क्या है इसमें, है आइडिया? तो ये हमारी कोमल देख लो आज कितनी गोरी लग रही है, कल इसका फेशियल मुझे लग रहा है पूरी, आज उसका करवाया, अनुज भैया को पकड़ के उसकी बैक शूटिंग करवाई, उसका छीला मुंह, इसको दे दो, मांग रहा है, ये है क्या? नहीं है ये नहीं, कुछ इसको भी दे दो, गरीब को बैठा है नीचे, उससे ऊपर नहीं चढ़ जाता। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं तो सोच रहा था एक ही दिन का है, तो मुझे लग रहा रोज ही आप, करना पड़ेगा, और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि इतना लेट क्यों ऑफिस पहुंचे, अभी भी कुछ पता नहीं है। और वो बता दो वो क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? देख लो गाइस, खाना बन गया भैया, भाभी काम कर रहे हैं, पराठे बनाए हैं, क्या बात है, पराठे खाओ, चाय हो जाए, अभी वो उठेंगे तुरंत ऑफिस पहुंच जाएंगे, बोलेंगे इतना लेट कर दिया तुमने, उठते ही बोलेंगे तैयार नहीं हुई अभी तक तू, ऐसे वाला सीन हो जो खड़े नन्ना, हेलो चाय पी लो, दसों जूझे गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी आ रही है, देखो परांठा भी लेके आई हूँ, चाय लेके आई हूँ, खड़े हो जो, वो जो खड़े प्लीज उठ जो, 15 मिनट ही चाय ठंडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग नक्को। गुड मॉर्निंग चच्चू। क्या ये क्या कर रखा है? अरे मैं ये रात को पहन के सो गया था ना, तो वो कुत्तों के बाल लग गए भाई, सारे कपड़ों में यही हाल हो रखा है। गुड मॉर्निंग भाभी, वो तो बच्चे हैं, गुड मॉर्निंग, क्या हो गया, कल से हल नहीं हो रखा है मसला, देखना ये देखना पास में बैठे, ये किसने बना डिजाइन, ये बैठे दोनों पास में बैठे हैं, मैं कब से बोल रही हूँ ना, मैं सूट रख के गई हूँ, मैं नहा के आती हूँ और मैं चेंज करती हूँ इसको, तो ऐसे बैठे थे मैंने, जो क्या पता ये खा गए, आपका ध्यान ही नहीं है, वैसे ही ध्यान नहीं था आपको, इतना नहीं दिखाई दे रहा कि वो खा रहा है, क्या हो रहा है ये, कल से नुकसान सारी चीजें, आज सूट खा गए तो क्या नई बात है, ला दो और बोल दो कोई चीज लेके आनी है, तो तब तो सुना ही नहीं था, तब तो बोल देते मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, और खा जाएगा वो, पर और ज्यादा उसको बस कुछ सच में किसी काम के नहीं है ना, अब तो कोई काम करना है, अगर बोल दो काम कर लो, वो नहीं होता तुमसे, कमीज और खराब कर दिया मेरा, तो सोना भी जरूरी होता है, अब और उसे पहना दिया, उसको और पहना, मतलब इतना नीट बंदा ये, मैं क्या करूँ इस बंदे ने, कभी भी आगे से दे दो मेरे को, नुकसान पर नुकसान हो जाए, इसमें वो कुछ होएगा नहीं, रफू वगैरह नहीं होएगा, हाँ होएगा भैया, ये रफू होने वाला है देखना, तो आराम से बैठे थे इसके ऊपर, उसी रख के मेरे को पता है चबाई जा रहा है, बहुत सही बहुत सही, आपको पता तब चलेगा, आप कभी आ रहे हो किसी चीज में, खुद का कसूर नहीं माने, इसके आगे रख के चले गए, कसूर मेरा ये है कि मैं तुम लोगों के साथ हूं, ये कसूर है मेरा, सच्ची में, हां आई बात क्या कर रहे हो, यही डेली कभी आप कभी डोलू सब मिलके, क्यों खून फूकने के चक्कर में लगे, तो गाइस ये पूरा जो है कपड़ा खराब कर दिया है, चलो कोई नहीं, ड्रेस बहुत है वैसे आपके पास, कोई नहीं, एक इसके ना, एक तो आप भैया ये चीज बोल के ना कि ड्रेस बहुत है आपके पास, बहुत है, तो आग लगा देती हूँ सारियों को, इनको बाहर जाके छोड़ो, किनको दे दूं, किसी को देने के लिए भी आप ही मना कर रहे थे, ये तो सही बात है, तो पास में बैठा इंसान आपके पास कोई चीज कोई खा रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, चले जाना, सिर रखे ऊपर बैठे थे, खा थोड़ी दे दे,
उस दिन मेरे चार्जर की लीड खाई थी देख लो, है ना, कोई नहीं तो वो तो चलो साइड में खा ली कि पास में नहीं थे, पास में बैठ के कमीज खिला दिया। अच्छा मुद्दा ये है कि आपने करा है ये मैटर, क्या आपने करवाया है? नाड़िया दड़िया रजिया पर पड़ी हो ये देख लो ये इंसान आगे। और एक बात बताऊं, ये आप भी कर सकते हो क्या? क्या आपने चबा दिया? ये इल्जाम ये तो अब ज्यादा हो गया, ये इल्जाम ज्यादा हो गया। ये तो कैसे कर रहा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ये तो कुछ भी पॉसिबल है इनके लिए, कहां गया ये परसों को मन की चप्पल को ऐसे फ्लैट कर दिया जैसे ऊपर बदली थी नहीं। कोई शख्स नहीं बचा, सबका नुकसान कर रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, प्यारे है ना बस, ये यही है बस थोड़ा सा। उनको समझ नहीं है, काम समझ है इनको, समझ है ये, समझदार है ना। आप एक काम करो, सुनो आप एक काम करो, दूसरी ड्रेस ला के यहाँ रखो और ना, करते आप नहाने चले जाओ, हम देखेंगे बैठ के कि ये खाते ही नहीं खाते। कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं भैया, नुकसान तो क्या करे, झेलना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि हमें जाना है मार्केट में घूमना है, तो मैंने पहन रखे हील्स, तो अगर वहाँ पे मेरे से नहीं चला गया तो आपकी चप्पल ले लूँ? ठीक है ओके। आपको हील्स में चलना पड़ेगा? ओके नहीं नहीं, ये तो आप क्या करोगे फिर? मैं नंगे पैर चलूंगा क्या? नहीं, नंगे पैर चल लूंगा, चप्पल दे दूंगा बट हील ले लूंगा, जरूरी नहीं है ये, आप ऐसे एक्सचेंज ये एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए मुझे, नहीं सच में अच्छे लगोगे इसमें देखना। नहीं तो भैया हम पहुंचे हैं सेक्टर 22 की मार्केट चंडीगढ़, भाभी मैं और ईवा, तो हमें शॉपिंग करनी है और भाभी को मिला है टास्क आज की 2000 रुपये में शॉपिंग करनी है, इनको सारी शॉपिंग 2000 रुपये में, साथ में अनुज भैया की भी शॉपिंग करवा के ले, 2000 रुपये में मेरी भी शॉपिंग हो जाएगी बिल्कुल। तो भैया देखते हैं चल के ये टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं। तो भैया टास्क की शुरुआत होती है सबसे पहली शॉप से, जूतियों से। पता क्यों? क्योंकि हील पहन के आगे थे, टास्क कंप्लीट करने के लिए घूमना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल चप्पल लेते हैं, सस्ती टिकाऊ सी जो पहन के घूम सके। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ले ली है चप्पल, शुरुआत हो गई है, चप्पल ले ली, कंफर्टेबल हो आप इसमें? 17 बाकी है। चलो तो भैया अभी 1700 रुपये पेंडिंग है, इसलिए 1700 में क्या लिया? 1700 पेंडिंग है भैया, हमें टास्क मिला है, कैसे पता करते हो आप इसका कुछ? अभी सुनो अभी पेंडिंग है, 300 रुपये तो आप उड़ा चुके ना। तो भैया वो जो है हमारे बजट से आउट जा रहा था इसलिए वो तो लिया नहीं हमने, अभी ले रहे हैं ये नाइट सूट है। तो ये एक मैं नाइट सूट ले लेती हूं। और मेरे को बोल रहे कि एक मेरे को बोल रहे एक छोटा मोटा रुमाल दिला देंगे, एक रुमाल तेरे को भी दिला जिससे जिससे ठंड में मैं अपनी नाक वाक पहुंच लूंगा। ये जो हमारी ईवा बहन है ये बहुत ही ज्यादा शरारती है, कह रही है मेरे को एक रुमाल, ठीक है उससे तेरी नाक पहुँच दूंगा, ठीक है। तो भैया कैशियर हमारी छोटी बहन है जो पैसे दे रही है, तो अभी 400 लगा लो इसका भैया, इतना अच्छा तो स्टफ भी नहीं है भैया, 100 रुपए में कुछ और खरीद लेंगे। अच्छा सेल लगा दो, मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं मुझे लगता, सॉक्स लेके दूंगी भैया, सॉक्स मैं देख लो गाइस, मैं चप्पल में रहता हूँ, मैं सॉक्स की जरूरत ही नहीं, रुमाल सॉक्स यही बचे मेरे लिए। गाइस पहली चीज तो मैंने ली अपने फुटवियर डाल के ये वाली चप्पल, और 800 रुपए हो गए, 1200 बचे, चलो ठीक है। काफी सारी चीजें लेनी है ना, हाँ। छोटी छोटी लेते हैं, लैक्मी का काजल लेते, लैक्मी का चलो। तो गाइस बंटा पीने का मौका मिल गया, कंचे वाली बोतल बंटा पीना आपने? हाँ। खाना नहीं है, 20 रुपीस है? पहले ये पीऊंगा, 20 रुपीस गैस, टिक्की खा लो। नहीं नहीं नहीं, टिक्की नहीं खानी, सिर्फ बंटा बंटा बंटा, मैं बंटा पीऊंगा। तो भैया फाइनली 150 रुपए और ढीले करते हुए यहाँ पे एक शॉपिंग और कर ली है भाभी जी ने, भाभी जी 150 रुपए माइनस कर लो, जो जो हम खरीदेंगे वो सब दिखाएंगे आपको रेट वाइज। तो भाई बिल्कुल सही कहा किसी ने कि लड़कियों की शॉपिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती, और इनकी पूरी अनुज भैया बोर हो गया हमारे साथ, खतरनाक हर हर मतलब जो रेडियो जो भी मतलब लगे होते हैं कपड़े, एक एक कपड़ा बिल्कुल कान उठा के चेक करा इन्होंने पूरा। तो ये टोकन ले लिया और टिक्की खाएंगे, टिक्की। तो भैया देख लो इधर टिक्की मैं ले रहा हूँ और उधर वो अभी भी शॉपिंग में लगे हुए हैं, वो लगे हुए। तो गाइस शॉपिंग डन हो चुकी है, खा पी के टिक्की से पेट फुला के पूरा, और अब हम निकल लिए हैं घर की तरफ।
बहुत सारी शॉपिंग हो गई, घूमना फिरना भी हो गया है, तो बस अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब हम सीधा चले सीधा जाएंगे जरकपुर। जरकपुर तो भाई लेके इतना सारा सामान, और ये देखो चल रहे दोनों, इधर का मुंह करी हुई लदी हुई, जो लेने गए थे वो तो लिया नहीं है और एक्स्ट्रा उठा लिया। नैपकिन खत्म हो रहे थे, नैपकिन ले लिया एटलीस्ट हमने। हाँ तो मेरी बहन इसके नौकी बताती है, उसके लिए नैपकिन ली। तो यहाँ पे आगे हम शॉपिंग करने के बाद, और मैम ने निकाल लिया सामान सर को दिखाने के लिए। मैं दिखाती हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पसंद आ गया था एक चीज, वो अनुज भैया की ले ली थी, तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये लिया ना, नाइट सूट, आप डेली बोलते रहते हो, अच्छी अच्छी चीजें ली है, कॉटन का है, गुड है। ये इसके साथ गई नहीं देना, 500 रुपए का है ये, 250 का लगा लो पजामा और टी शर्ट। नहीं बोल रहे, दो ले लेते, तो वो एक बार तो 2000 के अंदर दिखाते हैं, 500 का ये हो गया, उसके बाद ये 150 रुपए का एक टॉप, ठीक है, ये गाइस 150 रुपए का एक टॉप, ये मैंने पसंद किया, ये भी युवा के पसंद का है, और 150 रुपए का ही एक ये वाला टॉप है, ठीक है। ये दो टॉप लिए मैंने, ये मैं काफी दिनों से देख रही थी, बॉडी सूट है ये, 300 और 500 800 रुपए हो गया, 800, और एक इसने ये मेरे को दिलाया 150 रुपए का, इसका कुछ करेंगे, मैंने आपको जान के दिलाया ये सोच के, कुछ अच्छा है, ओवरकोट है जो जैसे ऐसे करके पूरा, हाँ ये प्रॉपर आएगा। एक ये एक गाइस ये वाली ड्रेस 150 की, ठीक है, पांच पहले कितना हुआ था, 500 और 300 800 800 और 300 1100 1100 और 400 का गाइस ये आया है, 1500 हो गए, 1500 हो गए, और 200 का ये आया है, 1700 आपकी पेंट का है, और नहीं नहीं वो तो नहीं, वो तो वो ली थी, चप्पल दिखाई, हाँ 300 की जो चप्पल ली थी, 2000 रुपए में इतना कुछ ले, तो हमने 2000 में शॉपिंग कर ली। आपने हमें चैलेंज दिया था, गिन लो कितने कपड़े आए हैं, धन्यवाद 11 कपड़े देखा हम, बैग भी चप्पल पूरा हो चुका है, अभी उसी खुशी में रजनीश जी 2000-4000 और देंगे, तू जाके ले आ 2000 में, इतना कुछ ले लिया। मेरे को सबसे अच्छी चीजें जो लगी, एक ये वाली ड्रेस भी बहुत प्यारी है, ठीक है, और एक ये वाली भी बहुत अच्छी है, एक जो ये वाला तूने मेरे को सुजेस्ट किया था कि मैम ये वाला, क्योंकि इसको पता है कि मैं स्लीवलेस कुछ नहीं पहनती हूँ, तो इसको पता है कि ये किसी के ऊपर है ना, ये पहनी हुई किसी के ऊपर वैसे ही टॉप अच्छा लगेगा। आप जो ड्रेसेस पहनते हो ना, आप उसके ऊपर भी ये पहन सकते हो, मैंने इसीलिए आपको ये वो किया। ये वाला जो है ये मतलब मेरे को लगा कि आप बड़ा कई बार होता है ना, ये लो हाई है, फ्रंट से थोड़ा सा ऊंचा है, बैक से नीचा है, अनुज भैया की जो चीजें थी वो बजट से बाहर है। यस मैंने अपनी अपनी करनी थी, अनुज भैया की दूसरे पैसों से की। यस